यस हेलो हाय एवरीवन, हम डिस्कस करेंगे मई 23 का हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिवीजन टेस्ट पेपर. सो मई 23 के लिए द रिवीजन टेस्ट पेपर इज आउट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन आर पेपर नंबर 8 IDT RTP. तो आ जाओ, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद एमसीक्यूज. सो मिस्टर एक्स, हम एकदम फटाफट इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे ताकि आपको कभी भी आरटीपी से गो थ्रू करना हो, यू वॉन्ट नीड मच टाइम. तो जल्दी जल्दी से हम शुरू करेंगे. मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग FMCG टू द कस्टमर्स ऑन रिटेल एज वेल एज होलसेल बेसिस. भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है. हम रिटेल एज वेल एज होलसेल बेसिस पे क्या करते हैं, FMCG गुड्स सप्लाई करते हैं. एक्स का हेड ऑफिस है दिल्ली में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ब्रांच है. मतलब मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरे 3 रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हमारा ब्रांच है और हम सारे ही जगह पे रजिस्टर्ड है. नाउ बिफोर वी रीड द क्वेश्चन फर्दर, एज यूजुअल हम एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे कि भाई हमको क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि हमको ध्यान में रहे केस स्टडी पढ़ते टाइम कि हमको क्या फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले पूछा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय एक्स टू इट्स एजेंट ए इन राजस्थान, हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्स सप्लाइड गुड्स टू इट्स एजेंट ए. एक्स ने अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई किए हैं जो कि राजस्थान में है. ए सोल्ड देम टू द अनरिलेटेड होलसेलर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. मतलब एक्स ने गुड्स ए को दिए और ए ने आगे अपने कस्टमर को सेल कर दिए हैं इन हिज ओन नेम. भाई हमारा एजेंट का टेस्ट क्या बोलता है, जब एजेंट अपने ओन नेम में इनवॉइस इशू कर देता है तो वो GST के हिसाब से एजेंट माना जाता है. यानी ये बात पक्की हो गई कि जो ए है ये क्या है, ये एक्स का एजेंट है ना. उसके बाद द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वो उन्होंने अपने अनरिलेटेड कस्टमर को सेल किए हैं 1 लाख में. तो ए ने कस्टमर को गुड्स कितने में नॉर्मली सेल करता है, 1 लाख में. और ऐसे ही कुछ गुड्स उन्होंने बाहर से खरीदे हैं 80,000 में. मतलब उन गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, 80,000. क्वेश्चन क्या पूछता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाई एक्स टू ए, हमको ये जानना है कि भाई एक्स ने ए को जो गुड्स सप्लाई किए हैं, प्रिंसिपल ने एजेंट को जो गुड्स सप्लाई किए हैं, उनका क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा. द क्वेश्चन आस्क्स कि उनका क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा. वैल्यूएशन चैप्टर रूल नंबर 29. वैल्यूएशन चैप्टर रूल नंबर 29 क्या बोलता है, भाई जब भी प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई करता है, सर्विसेज नहीं, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई करता है, तो वी हैव एन ऑप्शन कि हम ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं गुड्स का, जो कि हमारे केस में है 80,000. ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं जो हमारे केस में 80,000 है, या तो फिर क्रोनोलॉजी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, हमने आगे अपने अनरिलेटेड कस्टमर से क्या चार्ज किया है उसका 90%. तो भाई एजेंट ने आगे अपने अनरिलेटेड कस्टमर से चार्ज किया है कितना, 1 लाख. तो 1 लाख का 90%, 1 लाख का 90%, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 90,000. तो एक बार ऑप्शंस देखेंगे, 1 लाख 10 नहीं, 72 नहीं, निल आएगा क्या. ए हमने शेड्यूल वन पढ़ा है, कि भाई सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इवन विदाउट कंसिडरेशन, उसको हम सप्लाई मानते हैं और उसका आंसर आएगा. तो ये भी गलत है. ऑप्शन डी जो कि हमारा मैच होता है कि या तो 80,000 जो ओपन मार्केट वैल्यू है, या तो फिर 90,000 विच इज 90% ऑफ आगे कस्टमर से क्या चार्ज किया गया है, इसका हमारे पास क्या है, ऑप्शन है. तो एक्स के पास यहाँ पे ऑप्शन है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, 80,000 ले सकता है विच इज ओपन मार्केट वैल्यू, या तो फिर कस्टमर से जो चार्ज किया है 1 लाख, उसका 90%, 90,000 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जीएसटी पेएबल ऑन सर्विसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 डन. उसके बाद एक्स ने अपॉइंट किया है एक कंसल्टेंसी फर्म को जिसका नाम है रुद्र कंसल्टेंसी, वो भी राजस्थान में रजिस्टर्ड है, टू इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी एंड अंडरटेक ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज. भाई लीगल सर्विस है तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, शायद RCM का केस हो सकता है, पता नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. सो टू इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी एंड टू अंडरटेक ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेड कंपनी फॉर अग्रीड कंसिडरेशन कितना है, तो 35,000 कंसिडरेशन हमने अग्री किया है, जिसमें से रुद्र कंसल्टेंसी ने लीगल फीस पे कर दिया है 15,000 का. हमने रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 15,000 तो फीस ही पे कर दिया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. हमने जो GST इनवॉइस इशू किया है वो पूरा का पूरा 35,000 का ही इशू कर दिया है बिना किसी ब्रेकअप के. यानी एक्चुअली क्या हुआ, एक्स ने रुद्र को पे किए कितने, 35,000, जिसमें से 15,000 तो उसका MCA का ही, गवर्नमेंट का ही फीस हो गया, और 20,000 जो है वो रुद्र कंसल्टेंसी का फीस था. अगर इनवॉइस में इसका ब्रेकअप इश्यू किया होता,
अगर इनवॉइस में इसका प्रॉपर ब्रेकअप दिया होता तो हम क्या बोलते हैं कि ये प्योर एजेंट सर्विसेज है, ये प्योर एजेंट सर्विसेज है और इस 15,000 को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं गिनते। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दिया है 35,000 का विदाउट एनी ब्रेकअप, यानी ये क्या हुआ, यहाँ पे देर इज नो प्योर एजेंट, कोई ब्रेकअप नहीं दिया गया है। एंड क्वेश्चन में आगे हमको बोल रखा है कि भाई सर्विसेज पे रेट क्या अट्रैक्ट होता है, सर्विसेज पे जहां भी जरूरत होगी हम लोग 18% रेट अज्यूम करेंगे। एंड क्वेश्चन क्या बोलता है, जीएसटी पेएबल कितना है, जीएसटी पेएबल कितना है, तो भाई लीगल सर्विस है, पहली बात तो ये क्या है, लीगल सर्विस है, यानी कि आरसीएम लग जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, पूरा का पूरा 35,000। क्यों पूरा 35,000, क्योंकि प्योर एजेंट है लेकिन इनवॉइस अलग से इशू नहीं किया है तो हम इसको प्योर एजेंट नहीं मानेंगे। 35,000 का 18%, 35,000 का 18% विच इज 6,300 एंड फुल आईटीसी ऑन द सेम इज अवेलेबल टू एक्स। सीधी सी बात है, पूरा का पूरा आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे आरसीएम वगैरह का कुछ भी हमको पूछा ही नहीं है। सो 6,300 एंड फुल आईटीसी विल बी अज्यूम टू एक्स। आईटीसी का तो वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा, बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन के लिए है, बिजनेस पर्पज के लिए है। चलो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये हो गया हमारा पॉइंट टू। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्स ने इंपोर्ट किया है कुछ डिजिटल डेटा वेयर हाउसिंग सर्विसेज फ्रॉम मेजोन इनकॉर्पोरेशन लोकेटेड इन यूएसए। यूएसए से हमने डिजिटल डेटा सर्विस लिया है, मतलब ये OIDAR सर्विस हो चुका है। अमाउंट चार्ज बाय मेजोन इनकॉर्पोरेशन इज 5 लाख। सर्विसेज हमारी क्या थी, पर्सनल कंजम्पशन के लिए थी और कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं यूज हुई थी, लेकिन जो ट्रांजेक्शन बिल हुआ है वो एक्स के जीएसटी नंबर पे बिल हुआ है। भाई पर्सनल पर्पस के लिए लिया हो या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिया हो, अगर बिलिंग बी टू बी रेसिपियंट को हो जाता है, अगर बिलिंग बी टू बी रेसिपियंट को हो जाता है तो यही लायबल हो जाता है आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए। अगर बी टू सी कस्टमर को बिलिंग होता है और वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होता है, उस केस में OIDAR लायबल होता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करे। यहाँ पे हमने OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड की है लेकिन बी टू बी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो रेसिपियंट लायबल हो जाएगा कि वो आरसीएम में टैक्स पे करे। और सीधी सी बात है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया है तो आईटीसी तो नहीं मिलेगा, आरसीएम में आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए है इसलिए आप इसका आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो भाई क्या पूछता है क्वेश्चन हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ डिजिटल वेयर हाउसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो भाई आईजीएसटी ऑफ 108 इज पेएबल बाई एक्सटर। आईजीएसटी कितना आएगा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन में, आईजीएसटी कितना आएगा, सर्विस का वैल्यू है 5 लाख, सर्विस का वैल्यू है 5 लाख और हमको रेट यहाँ पे 18% बोल दिया है, तो 5 लाख इंटू 18%, 5 लाख इंटू 18% कितना होता है, सो 5 लाख इंटू 18% अगर मैं करूं तो इट इज 90,000, यानी 90,000 एक्स को पे करना है आरसीएम बेसिस पे, 90,000 एक्स को पे करना है आरसीएम बेसिस पे, यानी 108,000 तो गलत है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर जो मेजोन है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भाई मेजोन रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा, यहाँ पे एफसीएम नहीं आएगा, यहाँ पे आरसीएम ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। आईजीएसटी ऑफ 90,000 इज पेएबल बाय एक्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड नो इनपुट टैक्स शैल बी अवेल्ड। ये हमको ठीक लग रहा है, जो हमने सोचा था कि भाई क्योंकि बी टू बी रेसिपियंट को सप्लाई किया है OIDAR सर्विस तो 90,000 क्या हो जाएगा, आरसीएम में पे करना पड़ेगा, लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए है इसलिए इसका कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला है। और नेक्स्ट क्या बोला है कि भाई ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो चुका है। आगे पढ़ेंगे, सो अल्टीमेटली द आंसर इज सी। उसके बाद आगे पढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इंपोर्टेड सर्टन ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज फ्रॉम बलीबाबा इनकॉर्पोरेशन लोकेटेड इन चाइना। एक्स ने चाइना से भी कुछ ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज ली है, मतलब फिर से OIDAR सर्विसेज। दी सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू एक्स ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। दी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज वर 1 लाख, लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू 1 लाख है। दीज सर्विसेज वर ऑल्सो फॉर पर्सनल कंजम्पशन और एक्स, और ये भी पर्सनल कंजम्पशन पे ली गई है, और प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस इंडिया में है, IP एड्रेस इंडिया में है, मतलब OIDAR सर्विस तो हो गई है। दी ट्रांजेक्शन वॉज बिल्ड टू एक्स ऑन दी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ राजस्थान, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ राजस्थान पे ही हमने इसका बिलिंग करवाया है।
तो यहाँ पे इसका कोई क्वेश्चन, यहाँ पे इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बात खत्म। यहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया है लेकिन इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। जब भी आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हो विदाउट कंसिडरेशन करते हो, सेक्शन 7 में हमने पढ़ा है कि भाई हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं और यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट कंसिडरेशन किया है, विदाउट कंसिडरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे किया है, प्लस हमने पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया है, नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, मतलब ये तो सप्लाई ही नहीं हुई। जब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस का इंपोर्ट कर लिया है और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए किया है, तो भाई ये तो सप्लाई ही नहीं होती। तो जब सप्लाई ही नहीं होगी तो यहाँ पे कुछ भी टैक्स ट्रीटमेंट इसका आएगा ही नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मध्य प्रदेश ब्रांच ऑफ एक्स परचेस्ड गुड्स वर्थ 15 लाख। मध्य प्रदेश ब्रांच ने 15 लाख के गुड्स परचेस किए हैं जिसपे रेट लगता है 5%, ठीक है, 15 लाख के गुड्स है, 5% रेट लगता है। फ्रॉम अ मध्य प्रदेश डीलर एंड प्रोक्योर्ड सर्टेन इनपुट सर्विसेज भी लिया है हमने जिसका 28% रेट लगता है। लेटर पार्ट में हमने क्या किया, इन गुड्स को सेल कर दिया 18,000 पे 5% पे, इन गुड्स को सेल कर दिया 18 लाख में 5% जीएसटी पे। क्वेश्चन चाहता क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप, नहीं स्पॉन्सरशिप वाला अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। कंप्यूट द नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एक्स इन मध्य प्रदेश एंड अमाउंट ऑफ आईटीसी। भाई मध्य प्रदेश में हमको क्या कोई रिफंड मिलने वाला है क्या, इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर का कोई रिफंड मिलेगा या हमको कितना पे करना है, ये हमको क्वेश्चन पूछा है। तो लेट्स सी डेटा क्या बोलता है कि हमने 15 लाख के इनपुट्स गुड्स परचेज किए हैं, 15 लाख पे 5%, 15 लाख के हमने इनपुट्स गुड्स परचेज किए हैं 15 लाख पे 5%, और मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही किया है, मतलब 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। तो 15 लाख, 15 लाख इंटू हम करेंगे 2.5%, ये आ जाएगा हमारा कितना, एक सेकेंड, 15 लाख इंटू 2.5%, दिस कम्स टू 37,500 आई थिंक, ओके दिस इज इनपुट, हाँ दिस इज इनपुट, ठीक है। सो 15 लाख का 5%, 15 लाख का 5%, यहाँ पे हम 37,500, 37,500 का क्रेडिट ले लेंगे। उसके बाद हमने कुछ इनपुट सर्विसेज भी अवेल की है 5 लाख की 28% पे, कुछ इनपुट सर्विसेज भी अवेल की है 5 लाख की 28% पे। तो भाई 5 लाख इंटू 14%, 5 लाख इंटू 14% करेंगे इनपुट सर्विसेज के लिए, विच कम्स टू 70,000, 70,000। बाद में हमने इन गुड्स को सेल कर दिया था 18 लाख में 5% पे ही, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 18 लाख इंटू 2.5% इंटू 2.5%। सो अल्टीमेटली आउटपुट इतना है और माइनस हमने इनपुट और इनपुट सर्विसेज अवेल कर ली है, यानी अल्टीमेटली अगर मैं टोटल करूं तो मेरे आईटीसी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, मेरे आईटीसी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि जो मेरा पेएबल है, जो मेरा पेएबल है वो तो निल है, मुझे कुछ भी पे नहीं करना है, इनफैक्ट मेरा आईटीसी का बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। 18 लाख के गुड्स सेल किए 5% पे, 15 लाख के परचेस किए 5% पे, और इनपुट सर्विसेज अवेल की है 5 लाख की 28% पे। क्या यहाँ पे कोई रिफंड मिलेगा क्या, चैट में कोई बता सकता है मुझे, क्या इस केस में मुझे इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड मिलेगा क्या, क्योंकि जो मेरा इनपुट है, जो मेरा इनपुट है वो 28% पे है, वेरस जो मेरा आउटपुट है वो 5% पे है, तो क्या मुझे मिलना चाहिए इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का रिफंड दिया जाता है, इनपुट सर्विसेज का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का रिफंड दिया जाता है, इनपुट सर्विसेज का नहीं। तो भाई इनपुट तो परचेज भी 5% पे किया है, और इनपुट तो हमने इनपुट परचेज भी 5% पे किया है, और गुड्स हमने सेल भी 5% पे ही किया है, इनपुट सर्विसेज 28% पे अवेल की है, लेकिन सर्विसेज के केस में तो हमको एवे वैसे भी रिफंड नहीं मिलता है, तो इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिलता नहीं है, और इनपुट का, इनपुट गुड्स का और आउटपुट गुड्स का रेट सेम है, तो इस केस में मुझे इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी आंसर क्या बोलता है, आंसर बोलता है कि हमको, हमको नेट लाइबिलिटी आएगी 15,000 की नहीं, हमारा पेएबल तो जीरो आ रहा है, इनफैक्ट हमारा तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सो नो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एज रिफंड ऑफ इनपुट सर्विसेज नॉट अवेलेबल एंड रेट ऑन इनपुट इज सेम एज आउटपुट दैट इज 5%, यानी इस केस में हमको रिफंड कोई मिलने वाला नहीं है। सो नेट जीएसटी पेएबल इज निल एंड नो रिफंड इज अवेलेबल, नेट जीएसटी हमारा निल पेएबल आ जाएगा, कोई रिफंड मिलेगा नहीं। इनफैक्ट हम एक चीज और एडिशनल जानते हैं कि हमारा तो 62,500, 62,500 का क्या होगा, आईटीसी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। वेरी गुड गाइज, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है हमारा इस केस स्टडी का, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस के रिलेशन में क्वेश्चन पूछा है।
तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। राजस्थान ब्रांच पेड द स्पॉन्सरशिप सर्विस फीस, भाई जो फीस पे कर रहा है वो रेसिपिएंट हो गया, मतलब राजस्थान ब्रांच क्या है यहाँ पे, रेसिपिएंट है। गंगा सोल्यूशन कौन है, सप्लायर है स्पॉन्सरशिप सर्विस की। स्पॉन्सरशिप सुन के आपको 9(3) की घंटी बजी होगी, भाई सेक्शन 9(3) आरसीएम में हमने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पढ़ रखा है। तो रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे, राजस्थान ब्रांच, हमारी एक्स की ही राजस्थान ब्रांच। और गंगा सोल्यूशंस कौन है, सप्लायर है, रजिस्टर्ड है राजस्थान में। एंटरटेनमेंट इवेंट हमने ऑर्गेनाइज करवाया है हरियाणा में। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि भाई मिस्टर एक्स के केस में हमने स्पॉन्सरशिप सर्विस अवेल किया है, हम रेसिपियंट है स्पॉन्सरशिप सर्विस के, तो क्या हम लायबल है कि हम आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करें, क्या हम लायबल हैं कि स्पॉन्सरशिप सर्विस को अवेल करने के लिए हम आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करें, फटाफट से कोई मुझे बता देगा। हम बिल्कुल भी यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे नहीं करेंगे, क्यों, हमारा सेक्शन क्या बोलता है, 9(3) का सेक्शन क्या बोलता है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। उस केस में ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लायबल होती है कि ये लोग क्या करे, आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करे। तो यहाँ पे ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लायबल होती है कि ये क्या करे, ये इन्होंने जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अवेल की है इसके ऊपर आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करे। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स तो मिस्टर है, वो ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है ना ही पार्टनरशिप फर्म है, तो वो आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे नहीं करेगा। सो ह्योर वी आर डन विथ अवर एंटायर केस स्टडी। ओपनिंग बैलेंस इन लोगों ने लिख रखा है कि सब कुछ निल है, दूसरा कोई जो भी क्वेश्चन में, ये सिर्फ अजम्पशंस दिए हैं कि भाई पहले का कोई बैलेंस है नहीं, दूसरा कोई इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई है नहीं। आपको एक बार एग्जाम में पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना है, एक बार एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना था, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। उसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, धूमकेतु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन विरार महाराष्ट्र इज अपॉइंटेड एज अ डेल क्रेडिट एजेंट बाय बिग बैंग लिमिटेड, ही सेल्स शूज टू हिज कस्टमर्स लोकली विद इन द सेम स्टेट। हम सेम स्टेट में क्या करते हैं, शूज सेल करते हैं। बिग बैंग इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन महाराष्ट्र, मतलब हुआ क्या, बिग बैंग लिमिटेड प्रिंसिपल है, बिग बैंग लिमिटेड प्रिंसिपल है जिसने धूमकेतु को एजेंट अपॉइंट कर रखा है। सो बिग बैंग लिमिटेड प्रिंसिपल है जिसने धूमकेतु को एजेंट अपॉइंट कर रखा है। आगे, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर बिग बैंग लिमिटेड सप्लाइड टैक्सेबल गुड्स वर्थ व्हाट, 9.5 करोड़, हमने टैक्सेबल गुड्स वर्थ 9.5 करोड़ सप्लाई किए हैं जिनका ओपन मार्केट वैल्यू है 9.82 करोड़। सो ओपन मार्केट वैल्यू से हमको मतलब है, हम कंपेयर क्या करते हैं एजेंट के केस में, ओपन मार्केट वैल्यू और 10% जो आगे कस्टमर से चार्ज किया है, ओपन मार्केट वैल्यू या तो 10% जो आगे हमने कस्टमर से चार्ज किया है। अभी हम ऑलरेडी इसका एक क्वेश्चन तो ऊपर देख ही चुके हैं, तो यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू है 9.82 करोड़, आगे कस्टमर से चार्ज किया है 10.10 करोड़, आगे कस्टमर से चार्ज किया है 10.10 करोड़, एंड यहाँ पे भी ओन जीएसटीएन पे बिल इश्यू हुआ है, मतलब एजेंट की कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है, धूमकेतु एजेंट है ये बात फाइनल है। कैसे पता चला, हमारा इनवॉइस रूल, इनवॉइस एजेंट के नाम पे इश्यू हुआ है, मतलब धूमकेतु एजेंट तो है। नाउ ओपन मार्केट वैल्यू गुड्स का कितना है, 9.82 करोड़, आगे कस्टमर को सेल कितने में किया गया है, 10.10 करोड़, तो इसका मैं क्या करूंगी, 90% ले लूंगी, 90% ऑफ 10.10 करोड़ विच कम्स डाउन टू 9.09 करोड़, विच कम्स डाउन टू 9.09 करोड़, मतलब दोनों ही आंसर ठीक है, दोनों का हमारे पास ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, धूमकेतु ने कमीशन भी रिसीव किया है 65 लाख का बिग बैंग से, ठीक है ये एजेंट है तो प्रिंसिपल ने इसको 65 लाख का कमीशन भी दिया है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंड हैज गारंटीड द पेमेंट, ये कौन है, ये डेल क्रेडर एजेंट है, ये डेल क्रेडर एजेंट है तो इसने पेमेंट भी गारंटी कर रखा है कस्टमर्स के रिलेशन में। और धूमकेतु ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, ये जब हमने डेल क्रेडर एजेंट का रूल पढ़ा था वहां पे बताया था कि भाई अगर कस्टमर टाइम पे नहीं करता तो डेल क्रेडर एजेंट को तो एक बार प्रिंसिपल को पे कर देना पड़ता है, उसके सामने वो क्या करता है, अल्टीमेट कस्टमर से कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर सकता है जब वो लेट पेमेंट होता है, जब वो लेट पेमेंट होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 25 लाख का,
नाउ जब इनवॉइस एजेंट के नाम पे होता है, जब इनवॉइस एजेंट के नाम पे होता है मतलब वो एजेंट की कंडीशन फुलफिल करता है, उस केस में ऐसा कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट अगर प्रोवाइड किया जाता है तो उसको हम प्रिंसिपल सप्लाई के साथ ही गिनते हैं, उसको हम प्रिंसिपल सप्लाई के साथ उसी वैल्यू पे उस पे ऐड कर देते हैं, ये हमको पता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढना है। बिग बैंग लिमिटेड, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बिग बैंग लिमिटेड कितना है और धूमकेतु कितना है। तो भाई बिग बैंग लिमिटेड का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, बिग बैंग लिमिटेड का वैल्यू ऑफ सप्लाई अज्यूमिंग के हमको मिनिमम वैल्यू लेना है, अजम्पशन क्या है, हमको मिनिमम वैल्यू लेना है। हमारे पास ऑप्शन कौन से अवेलेबल थे, 9.82 और 9.09, दोनों में से मिनिमम क्या है 9.09। हमारे पास ऑप्शन कौन से अवेलेबल थे, 9.82 जो कि ओपन मार्केट वैल्यू है, और दूसरा 10 90%, 90% ऑफ व्हाट हम हमारे आगे कस्टमर से चार्ज करेंगे व्हिच कम्स टू 9.09। तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा, कम वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना, यानी बिग बैंग के केस में 10.10 × 90% 9.09 आंसर आ जाएगा। नाउ धूमकेतु के केस में क्या होगा, तो धूमकेतु ने 10.10 में तो कस्टमर को सप्लाई किया है वो तो आएगा ही, प्लस 25 लाख, तो 10.10 तो आएगा ही प्लस 25 लाख। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है जब डेल क्रेडिट एजेंट एजेंट हो जाता है इनवॉइस रूल के हिसाब से और वो आगे अपने कस्टमर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेम एज दैट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेम एज दैट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 लाख को भी ऐड कर लेंगे एंड अल्टीमेटली उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में हमको कमीशन मिला है 65 लाख का, हमको कमीशन मिला है 65 लाख का, तो यहाँ पे प्लस 65 लाख भी हो जाएगा। हमको कमीशन मिला है 65 लाख का तो 65 लाख भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज हमको कमीशन मिला है तो हमारे लिए वो सप्लाई हुई, कमीशन का अमाउंट हमको मिला है मतलब हमने कमीशन का सर्विस प्रोवाइड किया है तो वो हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगी। सो 10.10 प्लस 0.25 प्लस 0.65 विच कम्स टू 11 करोड़। तो धूम केतु के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, 11 करोड़, और बिग बैंग के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, तो 9.9 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज लायबल टू जीएसटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज लायबल टू जीएसटी, ये हमको पूछा है भाई इसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी पे जीएसटी लगने वाला है। सो सप्लाई ऑफ फूड बाय अ हॉस्पिटल टू पेशेंट और अटेंडेंट और विजिटर, भाई नॉट एडमिटेड पेशेंट है, इन पेशेंट नहीं है, या तो विजिटर्स है या अटेंडेंट्स है, उनको अगर खाना दिया जाता है तो वो बिल्कुल टैक्सेबल होता है, वो बिल्कुल ही टैक्सेबल होता है, हमने पढ़ा है, तो इस केस में ये हो जाएगा टैक्सेबल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन कौन लायबल टू जीएसटी है, तो वन तो लायबल टू जीएसटी है, हमको क्लियर है, क्योंकि इन पेशेंट को जो खाना दिया जाता है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है, ना कि आउट पेशेंट या विजिटर्स को दिया हुआ खाना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एयर कंडीशन रेलवेज, भाई एग्जेम्पशन चैप्टर हमने पढ़ा है, रेलवे में अगर हम नॉन एसी रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी में, मतलब इसको इसको हम लाइबिलिटी में नहीं लेंगे, दिस इज नॉट लाइबल टू जीएसटी। उसके बाद सर्विसेज बाय अ ब्रांड एम्बेसडर बाय वे ऑफ फोक डांस परफॉर्मेंस वेयर कंसिडरेशन चार्ज इज 1,40,000। एक हमने पढ़ा है कि भाई अगर क्लासिकल परफॉर्मेंस हो और 1,50,000 तक कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रांड एम्बेसडर के तरीके से काम किया है, तो भाई ब्रांड एम्बेसडर के तरीके से तो अगर हम 1 रुपी भी चार्ज कर लेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर के तरीके से अगर हम 1 रुपी भी चार्ज कर लेते हैं तो वो भी टैक्सेबल अंडर जीएसटी हो जाता है। तो ये 1,40,000 आपको सिर्फ कंफ्यूज करने दिया है, क्योंकि 1,50,000 की लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर पे, वही ब्रांड एम्बेसडर वर्ड आया मतलब सीधी सी बात है दिस विल बी टैक्सेबल। तो यहाँ पे 3 भी लायबल टू जीएसटी हो गया, 1 इज लायबल, 3 इज लायबल। आगे पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर रोड से ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवे से हमने एक वो एक्सेप्शन का लिस्ट पढ़ा था, शिप से हमने एक एक्सेप्शन का लिस्ट पढ़ा था, लेकिन एयर के केस में कहीं पे भी हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है कि एयर से अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रांसफर होता है तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा, मतलब ये क्या होने वाला है, ये टैक्सेबल होने वाला है। एयर से अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो, भाई आप अमीर आदमी हो, इस केस में ये क्या होगा, टैक्सेबल ही होने वाला है। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, मैंने आपको बताया था कि भाई पैडी से कन्वर्जन करना राइस में, वो वाला प्रोसेस तो टैक्सेबल है, लेकिन एक बार राइस बन गया
उसके बाद उसका लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग सब कुछ जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, सब कुछ जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, यानी दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। सो अल्टीमेटली लायबल किस किस पे हो जाएंगे हम? 1, 3 और 4 में। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 1, 3 और 4 वाला? यस। सो ऑप्शन सी है 1, 3 और 4। तो ये जो हमारे 1, 3 और 4 वाले पॉइंट है ये क्या हो जाएंगे? लायबल टू जीएसटी हो जाएंगे। बाकी दोनों चीजें एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडर रूल 4? कस्टम्स वैल्यूएशन में पूछा है, कस्टम्स वैल्यूएशन में पूछा है, अगर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स निकालते हैं तो उसमें कौन सा रूल लगता है? तो देखो, द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन इन अ सेल एट एनी कमर्शियल लेवल होता है क्या? द आंसर इज नो। भाई जब हमको रूल 4 लगाना है आइडेंटिकल गुड्स का, तो हम क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट अराउंड सेम कमर्शियल लेवल होना चाहिए, ऑलमोस्ट अराउंड सेम कमर्शियल लेवल होना चाहिए, उसका हम वैल्यू ले लेते हैं। तो एनी कमर्शियल लेवल तो गलत आ जाएगा। देन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन सेल एट सेम कमर्शियल लेवल एंड इन एनी क्वांटिटी होता है क्या? सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम कमर्शियल लेवल, सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब एनी क्वांटिटी भी यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन अ सेल एट सेम कमर्शियल लेवल ठीक है, एंड इन सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी ये भी ठीक है, एज द गुड्स बींग वैल्यूड यूज टू बी। तो ये अभी तक हमको सबसे ठीक लग रहा है रीडिंग द ऑल 3 पॉइंट्स। लास्ट क्या बोलता है? ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एट एनी कमर्शियल लेवल फिर से गलत हो गया। जब हम आइडेंटिकल गुड्स का ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं उस केस में हम क्या देखते हैं कि सेम कमर्शियल लेवल होना चाहिए और सिमिलर समवेयर अराउंड सेम क्वांटिटी भी होना चाहिए, तो उसको हम रूल 4 के हिसाब से क्या करेंगे? वैल्यू मान लेंगे। देन नेक्स्ट, सेफगार्ड ड्यूटी कैन नॉट बी इम्पोज। सेफगार्ड ड्यूटी कब नहीं लगती है? जब वो सारे डेवलपिंग नेशंस में से किसी भी एक का 3% से एक्सीड नहीं करता, और जिनका 3% से एक्सीड नहीं करता उन सबको मिला के भी टोटल 9% से एक्सीड नहीं करता। ये हमने किसमें पढ़ा है? टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ रखी है। सो द आर्टिकल ऑन विच इट इज प्रपोज टू बी इम्पोज ओरिजिनेट फ्रॉम वन और मोर डेवलपिंग कंट्री। ये ऐसे डेवलपिंग कंट्री से ओरिजिनेट होता है जिसका सिंगल शेयर, ईच का शेयर लेस देन 3% है, ईच का शेयर लेस देन 3% है, और टुगेदर सबको मिला लो तो शेयर 9% से एक्सीड नहीं होता है। इस केस में हम क्या करते हैं? सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाते हैं। अगर आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर याद है तो वेरी गुड, वरना रिवाइज करोगे जैसे ही सेफगार्ड ड्यूटी का पॉइंट देखोगे वहां पे बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ ही है कि हम सेफगार्ड ड्यूटी कब इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3% वाला कंडीशन बोला है, यानी दिस इज हाफ ट्रू। 5% जैसा तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, 5% जैसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो कहां से बीच में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई सेफगार्ड ड्यूटी कब नहीं लगता है? जब हम डेवलपिंग कंट्री का, पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री का शेयर 3% से कम होता है, एंड सेकेंडरी बाकी सबका मिला के भी 9% से कम रहता है, उस केस में हम सेफगार्ड ड्यूटी को इम्पोज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्या मैं बोल दू? प्योर थियोरी क्वेश्चन है। अगर आपको प्रोविजन आता है तो आपको आंसर आएगा, एज सच कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा सीधा हमको प्रोविजन ही पूछ लिया गया है क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 में। देन नेक्स्ट, चलो यहाँ पे हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं, नाउ स्टार्टिंग विद बिग क्वेश्चन आंसर्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सीधी सी बात है, पूरा पूरा जीएसटी कॉम्प्यूटेशन का चैप्टर है, पूरा जीएसटी कॉम्प्यूटेशन का चैप्टर है, तो क्वेश्चन है, तो एक बार ढंग से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या बोला है हमको? जानकी नंदन एसोसिएट्स, अ प्रोप्राइटरशिप फर्म लखनऊ में है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मैन्युफैक्चरर्स 3 टैक्सेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, जीटा, सिग्मा और ओमेगा। 3 प्रोडक्ट बनाते हैं हम, जीटा, सिग्मा और ओमेगा। नाउ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय जानकी नंदन एसोसिएट्स फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। नाउ क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फटाफट से एक एक करके पढ़ते हैं। ओमेगा और जीटा, इनको हम डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल करते हैं, प्लस हम इनको आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट भी करते हैं। डोमेस्टिक टर्नओवर दिया है, एक्सपोर्ट सेल को हटा के जीटा का और ओमेगा का डोमेस्टिक टर्नओवर कितना दिया है? 21 लाख और 15 लाख। तो यहाँ पे मैं साइड में छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन समराइज करती जाती हूँ ताकि अल्टीमेटली सम चालू करूं तो मेरा काम फटाफट से हो जाए। तो जीटा का डोमेस्टिक सेल कितना किया है मैंने? 21 लाख का किया है। ओमेगा का डोमेस्टिक सेल मैंने 15 लाख का किया है। उसके बाद क्या बोला है? एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया है जीटा का विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो यहाँ पे जीटा का एक्सपोर्ट वो भी विथ पेमेंट है, विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कितना है यहाँ पे? इट इज गिवन 3.75 लाख।
ये हो जाएगा हमारा 3.75 लाख। इस पे हमने कोई मर्चेंट एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी नहीं लिया है। और ओमेगा ने एक्सपोर्ट किया है 15 लाख का, ओमेगा ने एक्सपोर्ट किया है 15 लाख का। यहाँ पे विद पेमेंट नहीं बोला है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि विदाउट पेमेंट होगा। विद पेमेंट होता है तो स्पेसिफिकली बोला होता है। सो हियर वी अज्यूम के चलो ठीक है, विद पेमेंट हमने जी को एक्सपोर्ट किया है 3.75 लाख और ओमेगा को विदाउट पेमेंट 15 लाख का एक्सपोर्ट किया है। ये हमारा पॉइंट नंबर वन का पूरा इंफॉर्मेशन समराइज हो गया है। पॉइंट नंबर वन का हमारा पूरा इंफॉर्मेशन समराइज हो चुका है। आगे देखते हैं पॉइंट टू क्या बोल रहा है। टैक्स ऑन सिग्मा इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो भाई हम जो सिग्मा सेल करते हैं उसमें रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करता है। तो सिग्मा इज बीइंग सोल्ड ओनली डोमेस्टिकली एंड द डोमेस्टिक टर्नओवर ऑफ सिग्मा इज 9 लाख। तो सिग्मा को तो हम सिर्फ डोमेस्टिकली ही सेल करते हैं, सिग्मा को हम सिर्फ डोमेस्टिकली ही सेल करते हैं, इसका टर्नओवर 9 लाख है और इसपे आरसीएम बेसिस में टैक्स लगता है। इसमें आरसीएम बेसिस में टैक्स लगता है और ये क्या है, 9 लाख का हमने इसका टोटल सेल किया है। द फर्म इज ऑल्सो एंगेज इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज। लो हम यही नहीं रुके, हम कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। 30 लाख का हमने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया है टू अनरिलेटेड क्लाइंट्स, कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में। और कंसिडरेशन भी हमको कन्वर्टेबल एक्सचेंज में मिल चुका है। कन्वर्टेबल एक्सचेंज में हमको कंसिडरेशन मिल चुका है, मतलब मैं बोल दूं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर दिया है। और विद पेमेंट इन्होंने बोला नहीं है तो मान लेते हैं विदाउट पेमेंट किया होगा। विदाउट पेमेंट किया होगा कितना, 30 लाख। तो 30 लाख का हमने यहाँ पे कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज विदाउट पेमेंट, दैट इज 30 लाख। आगे पढ़ेंगे, द फर्म सोल्ड द शेयर्स हेल्ड बाय इट फॉर 375 लाख विच वर अर्लियर परचेस्ड एट 360। भाई शेयर्स को सेल करना वो तो हमारे सप्लाई में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर्स ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, शेयर्स सिक्योरिटीज है जो कि ना गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं ना सर्विसेज के डेफिनेशन में आते हैं। तो इसको मैं अपने टर्नओवर में या इस पे मेरा कोई भी आउटवर्ड पेबल नहीं आएगा। जस्ट मैं अमाउंट लिख के रख लेती हूँ कि मैंने शेयर्स सेल किए हैं कितने, 375 लाख के। उसके अलावा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स मैंने एक फैक्ट्री बिल्डिंग सेल किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना क्या ये जीएसटी के परव्यू में आता है? द आंसर इज नो। इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना ये भी जीएसटी के परव्यू में नहीं आता है। 180 लाख में मैंने बिल्डिंग सेल किया है। बिल्डिंग कितने में सेल किया है मैंने, 180 लाख में, एक्सक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ 3.5 लाख बींग 2% ऑफ वैल्यू। मैंने क्या किया है, 3.5 लाख का मैंने स्टैंप ड्यूटी पे किया है जो कि वैल्यू का 2% ही है। तो मेरा एक्चुअल सेल तो 180 लाख पे हुआ है, लेकिन मैं एसडीवी लिख के रख लेती हूँ। एक्चुअल सेल तो मेरा 180 लाख पे हुआ है, लेकिन मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 2%, यानी मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो 175 लाख है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 175 लाख है, लेकिन मैंने एक्चुअली सेल किया है 180 लाख में। मैंने एक्चुअली कितने में सेल किया है, 180 लाख में। उसके बाद द फर्म अर्न्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 6 लाख ऑन मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट विद काबा बैंक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ इंटरेस्ट भी अर्न किया है 6 लाख का। नाउ वी नो एनीवेज इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन समराइज कर रही हूँ। तो मैंने जो भी चीजें कमाई है, जो भी मेरा टर्नओवर है, मैंने सब कुछ लिख के एक बार रख लिया है। नाउ आगे पढ़ते हैं, द डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज अवेल्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड आर एज अंडर। अब हमको और डिटेल्स क्या दी है, फर्म ने रिसीव की है लीगल सर्विसेज फ्रॉम एन एडवोकेट इन रिलेशन टू प्रोडक्ट जीटा फॉर कंसिडरेशन ऑफ 5.25 लाख। हमने क्या किया है, जीटा के रिलेशन में, जीटा तो हमारा नॉर्मल टैक्सेबल प्रोडक्ट है, जीटा हमारा नॉर्मल टैक्सेबल प्रोडक्ट है, उसके रिलेशन में हमने क्या किया है, कुछ लीगल सर्विस ली है, मतलब इस पे हमको आरसीएम बेसिस में टैक्स पे करना पड़ेगा। मुझे 5.25 लाख पे जो भी रेट होगा उस पे क्या करना पड़ेगा, आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड सिर्फ हमारा जो सिग्मा वाला प्रोडक्ट है उस पे आरसीएम बेसिस पे कस्टमर टैक्स पे करता है। यहाँ पे सिग्मा का जो प्रोडक्ट है इसके रिलेशन में अगर हम कुछ अवेल करते हैं तो उसमें क्या होगा, आरसीएम बेसिस पे कस्टमर टैक्स पे करता है। बाकी ये तो नॉर्मल जीटा वाला प्रोडक्ट है जिसके लिए लीगल सर्विस मैंने लिया है। नाउ रिमेनिंग इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड वर्थ 52.5 लाख। ठीक है, तो दूसरे मैंने
दूसरे मैंने इनपुट्स लिए हैं कितने के, 52.5 लाख के इनपुट्स लिए हैं और इनपुट सर्विसेज लिए हैं 22.5 लाख के। ये तो कॉमनली यूज हो रहे हैं। एस वी सॉ कि यहाँ पे बहुत सारा टैक्सेबल एग्जेम सारी सप्लाईज इंक्लूडेड है, तो ये क्या हो जाएगी, ये मेरी कॉमन क्रेडिट हो जाएगी। 5.25 लाख तो एक्सक्लूसिवली जीटा के लिए लिया है, मतलब एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, तो इसका तो मुझे पूरा ITC मिल जाएगा। लेकिन ये जो 52.5 के इनपुट्स लिए हैं और 22.5 के इनपुट सर्विसेज लिए हैं, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो मेरा कॉमन क्रेडिट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आपको क्या करना है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी। सीधी सी बात है, हमको नेट जीएसटी लायबिलिटी गिननी है। क्या कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा है हमारे लेजर्स में, कोई ओपनिंग, कोई हमारे पास क्रेडिट या कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हमको कुछ भी बोला नहीं है। हर जगह पे हमको गुड्स के केस में 12% का रेट अज्यूम करना है और सर्विसेज के केस में 18% का रेट अज्यूम करना है। सिंपलिसिटी के लिए हम CSI कुछ अलग नहीं करेंगे, सबको एक ही टैक्स गिन लेंगे। टर्नओवर हमको पिछले साल का 72 लाख दिया है, अनलेस अदरवाइज मेंशन सारे एक्सपोर्ट्स LUT पे है। हमने भी वही अज्यूम किया था कि भाई जहां पे विथ पेमेंट बोला है सिर्फ उसको हमने विथ पेमेंट ले लिया, बाकी हर जगह पे हमने क्या किया है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने एक बार रफ में शॉर्ट करके ही सॉल्व करके ही रखा है, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। सिंस हम ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं, तो अब आपके लिए ये इजी हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्क्रीन स्प्लिट किया है, बट आई थिंक आपको स्प्लिट स्क्रीन नहीं दिख रहा, आपको एक ही स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं, हम फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमको आउटवर्ड पेएबल ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कि हमको कितना आउटवर्ड पे करना है, कितना आउटवर्ड पे करना है ये ढूंढना पड़ेगा। तो हमने तो सारे टर्नओवर शॉर्ट में लिख के ही रखे हैं, एकदम सिंपल हो जाएगा। गुड्स का रेट है 12%, सर्विसेज का रेट है 18%, हमको ऑलरेडी पता है। भाई सबसे पहले जीटा हमने डोमेस्टिकली सप्लाई किया है, जीटा हमने डोमेस्टिकली सप्लाई किया है, मतलब 21 लाख का 12%, 21 लाख का 12% लग जाएगा। ओमेगा में भी 15 लाख का 12% लग जाएगा, ये भी हमने डोमेस्टिकली सप्लाई किया है। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई किया है, मतलब इस पे भी टैक्स तो लगेगा। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई किया है, मतलब इस पे भी टैक्स तो लगेगा। यहाँ पे हमने ओमेगा को विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट किया है, मतलब इस पे टैक्स निल आ जाएगा। यहाँ पे हमने ओमेगा को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई किया है, एक्सपोर्ट किया है, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, यहाँ पे निल आ जाएगा। आरसीएम बेसिस में तो हमारी लाइबिलिटी होगी नहीं, हमारा कस्टमर आगे पे करेगा, सो यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे हमने जो सप्लाई किया है वहां पे भी डैश आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट पेमेंट किया है, अगेन विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट किया है, तो कोई टैक्स नहीं पे करना है, डैश आ जाएगा। शेयर्स के ट्रांजैक्शन पे हम वैसे भी कोई टैक्स नहीं पे करते, डैश। बिल्डिंग सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी आता है क्या, नहीं, डैश। और इंटरेस्ट तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, इंटरेस्ट तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, मतलब डैश। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसपे मुझे आउटवर्ड पेएबल लगेगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, तो 21 लाख इंटू 12%, सबका टोटल ही कर लू, सब पे रेट 12% ही है, सो मैं क्या करूंगी, 21 लाख प्लस आ जाएगा 15 लाख, तो वी विल डू 21 प्लस 15 लाख प्लस हम कर लेंगे 3,75,000 इंटू 12%, इंटू 12%, यानी मुझे पेएबल कितना है, मेरा आउटवर्ड पेएबल कितना है, 477,000, मेरा आउटवर्ड पेएबल कितना है, 477,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे इनपुट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमको ITC कितना मिलेगा। तो ITC कितना मिलेगा, हमारा कॉमन क्रेडिट कितना है, हमारा कॉमन क्रेडिट कितना है, हमने इनपुट्स अवेल किए हैं, हमने इनपुट्स अवेल किए हैं कितने कितने, कहाँ गया ये रहा, हमने इनपुट्स अवेल किया है 52.5 लाख के और इनपुट सर्विसेज हमने अवेल किया है 22.5 लाख का। तो यहाँ पे इनपुट्स का रेट बोला है 12% और इनपुट सर्विसेज का रेट बोला है 18%। भाई जहां पे भी विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट होता है वहां पे हमको टैक्स लाइबिलिटी एक बार तो पे करनी ही होती है। विद पेमेंट ऑफ टैक्स जब भी एक्सपोर्ट होता है तो हमको क्या करना है, अमाउंट पे करना ही पड़ता है। विदाउट पेमेंट में हम बिना पे किए LUT पे भेज देते हैं, तो विद पेमेंट में एक बार पे करते हैं, बाद में रिफंड मिलता है, तो अभी के लिए तो हमको वो पे करना ही है। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमको CSI को कुछ भी, सबको बाइफर्केशन इग्नोर करके और टोटल टैक्स बेसिस पे ही काम करना है। तो चलो अब मेरे टोटल इनपुट्स और टोटल इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट कितना होगा, मेरा कॉमन क्रेडिट कितना होगा, फटाफट से मेरे को बताएंगे। सो कॉमन क्रेडिट विल बी व्हाट, 52 लाख 50,000, 52.5 लाख इंटू 12%,
52.5 लाख इंटू 12% प्लस क्या हो जाएगा हमारा 22.5 लाख इंटू 18%, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, सर्विसेज का रेट 18% है, सर्विसेज का रेट क्या है, 18% है। तो यहाँ पे इंटू 100, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा कितना हुआ मेरा कॉमन क्रेडिट 1035000, कितना हुआ मेरा कॉमन क्रेडिट 1035000, ये मेरा हो गया कॉमन क्रेडिट। अब इसमें से मुझे करने पड़ेंगे रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी इन्वॉल्व है, तो इस कॉमन क्रेडिट में मल्टीप्लाई बाई ई बाई एफ करना पड़ेगा, कॉमन क्रेडिट में मल्टीप्लाई बाई ई बाई एफ करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे रिवर्सल मिलेगा, यहाँ पे फिर मुझे रिवर्सल मिलेगा। तो चलो ई बाई एफ करने के लिए पहले हमको ई का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तो ई के वैल्यू में क्या आ जाएगा, नाउ मैंने करके रखा है, सिंस वी आर नॉट वेस्टिंग वेरी मच टाइम हियर, तो मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा है। देखो यहाँ पे आपके लिए टर्न ओवर ऑफ जीटा, अब इसको फटाफट से एक बार मैच कर लेंगे, टर्न ओवर ऑफ जीटा क्या, टर्न ओवर ऑफ सिग्मा, टर्न ओवर ऑफ ओमेगा, उसके बाद हमने एक्सपोर्ट ऑफ जीटा विद पेमेंट देख लिया, एक्सपोर्ट एलयूटी में कुछ भी आएगा नहीं, कंसल्टेंसी में कुछ नहीं आएगा, शेयर्स में कुछ नहीं, बिल्डिंग में कुछ नहीं, और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक में भी कुछ नहीं। उसके बाद कॉमन क्रेडिट हमारा मैच हो चुका है 10,35,000। अब टोटल टर्नओवर, जब हम टोटल टर्नओवर गिनते हैं तो सीधी सी बात है 21 लाख नॉर्मली आएगा, 9 लाख नॉर्मली आएगा, 15 लाख नॉर्मली आएगा, एक्सपोर्ट विद पेमेंट नॉर्मल आ जाएगा, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। शेयर्स में हम क्या करते हैं, शेयर्स में हम ई और एफ कैसे गिनते हैं, हमारा जो सेल वैल्यू है, इंटू 1% हम करते हैं, हमारा जो सेल वैल्यू है उसका इंटू 1% हम लोग करते हैं, ये हमारा सेल ऑफ शेयर्स का क्या होता है, टर्नओवर होता है। सो भाई सेलिंग प्राइस का 1% विच इज 3.75 लाख, फिर सेल ऑफ बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, सेल ऑफ बिल्डिंग में हम एसडीवी कंसिडर करते हैं, एक्चुअल सेल हमने कितने में भी किया हो, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करते हैं सेल ऑफ बिल्डिंग में। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करके बताई थी 3.5 लाख अपॉन 2% करके, हमने 175 लाख का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया था, और इंटरेस्ट तो 6 लाख क्वेश्चन में दिया है, यानी हमारा टोटल टर्नओवर, हमारा एफ कितना आ जाएगा 2,78,50,000, हमारा एफ कितना आ जाएगा 2,78,50,000, और एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना होगा, भाई आरसीएम सप्लाई में हमने जो सिग्मा किया है, क्योंकि सिग्मा पे आरसीएम बेसिस में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, तो हमको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, बाकी सारे नॉर्मल टर्नओवर्स और एक्सपोर्ट्स पे तो हमको सारा का सारा क्रेडिट मिलता ही है। प्लस बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, और शेयर्स में जो हम 1% ऑफ सेल वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट टर्नओवर। तो टोटल क्रेडिट, टोटल कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे ई बाई एफ, ई मैंने कैलकुलेट कर लिया, एफ मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये मेरा क्रेडिट का रिवर्सल आ जाएगा। सो मेरा टोटल क्रेडिट कितना था, मेरा टोटल क्रेडिट 10,35,000 था, उसमें हमने एक जीटा के रिलेशन में आरसीएम वाला लीगल सर्विस लिया था, तो उसका भी हमको क्रेडिट मिल जाएगा। आरसीएम वाले लीगल सर्विस की वैल्यू क्या थी, लेट्स चेक, आरसीएम वाले लीगल सर्विस की वैल्यू क्या थी, तो आरसीएम वाला लीगल सर्विस हमने लिया था 52.5 लाख में, तो 52.5 लाख का 5.25 लाख का 18% हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 5.25 लाख का 18% आ जाएगा हमारा 94,500, ये मेरा टोटल क्रेडिट हुआ, ये क्या हुआ मेरा टोटल क्रेडिट। इसमें से मैंने अभी अभी रिवर्सल कैलकुलेट किया कि 697742 रिवर्स करना है, इसको रिवर्स कर लो, तो ये जो बचा ये क्या है, ये एक्चुअल आईटीसी जिसके लिए आप एलिजिबल हो, अब हमको आउटवर्ड पेएबल मिल गया, आईटीसी मिल गया, तो फिर नेट पेएबल गिनने में तो कुछ है ही नहीं, नेट पेएबल तो अब कोई भी ढूंढ सकता है। भाई टोटल आउटवर्ड हमारा 4,77,000 आया था, जब हमने वो 12% मल्टीप्लाई करके आउटवर्ड निकाला था, माइनस एलिजिबल आईटीसी, माइनस ये हमारा एलिजिबल आईटीसी, यानी इतना हमको कैश से पे करना है, प्लस जो हमारी ये 94,500 की आरसीएम की लाइबिलिटी है, ये भी हम क्या करेंगे, कैश से ही पे करेंगे। सो अल्टीमेटली हमको टोटल कितना कैश से पे करना आएगा, तो अल्टीमेटली टोटल हमको 139,742 कैश से पे करना आएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ भी टफ नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, आपको सिर्फ ई और एफ का कैलकुलेशन आना चाहिए, और ई और एफ का कैलकुलेशन हमने बहुत अच्छे से समझा है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल्स में हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आता है, उसके बाद शेयर्स को जब भी सेल करते हैं तो 1% आता है, फिर ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट था,
जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको हम एफ में तो कंसिडर करते हैं, लेकिन हम ई में कभी कंसिडर नहीं करते हैं, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो ई और एफ के कैलकुलेशन में अगर आपने गलती नहीं की तो फिर बाकी आप कहीं पे भी गलती नहीं करोगे, क्वेश्चन एकदम इजी है। चलो यही बस यही आरटीपी का एक मेन क्वेश्चन था, इसके बाद तो बहुत सिंपल है, आपको खुद को ही सब कुछ आता है, इसके बाद बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप खुद ही सब कुछ कर पाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, जिज्ञासा लिमिटेड आईसीएआई स्टडी मटेरियल का सेम क्वेश्चन है, आईसीएआई एसएम में अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ईवे बिल चैप्टर का डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो क्या है, जिज्ञासा लिमिटेड के पास मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स है, मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स है ऑफ टॉयज इन मुंबई महाराष्ट्र, इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर टॉयज वर्थ 1,20,000 का, हमको टॉयज का ऑर्डर आया है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेवियबल एट 18% फ्रॉम उपासना ओनर ऑफ रिटेल स्टोर इन दिल्ली, दिल्ली से हमको ऑर्डर आया है, दिल्ली से हमको ऑर्डर आया है। व्हाइल चेकिंग द स्टॉक इट इज फाउंड दैट ऑर्डर वर्थ 55,000 हम एक जगह से फुलफिल कर सकते हैं और दूसरा 65,000 दूसरे स्टोर से फुलफिल होगा। हमको पूछा है कि सेपरेट इनवॉइसेस दोनों के लिए हमने इशू किए हैं तो ईवे बिल का क्या करेंगे, गुड्स दोनों एक ही सिंगल कन्वेंस में जाने वाले हैं तो क्या हम सिंगल ईवे बिल बना सकते हैं क्या, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अकाउंट्स रिकॉर्ड्स और ईवे बिल के चैप्टर में है। भाई दोनों का कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, दोनों का कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, मतलब दोनों इनवॉइसेस पे ही ईवे बिल तो आएगा ही, 50,000 से ज्यादा कंसाइनमेंट वैल्यू है, इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो दोनों ही केस में ईवे बिल तो आएगा। और सेक्शन क्या बोलता है, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए आपको कंपलसरी मल्टीपल ईवे बिल जनरेट करने पड़ेंगे, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए आपको कंपलसरी मल्टीपल ईवे बिल जनरेट करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली लास्ट में अगर सब कुछ एक कन्वेंस में जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एंड में कंसोलिडेशन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए आप एंड में कंसोलिडेशन कर सकते हो, बाकी आपको हर इनवॉइस के लिए अलग अलग ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स के चैप्टर में टेस्ट योर नॉलेज में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। उसके बाद आरसीएम की लाइबिलिटी का इनपुट मिलेगा, तो हमने ले लिया है प्रियंका, आरसीएम की लाइबिलिटी का इनपुट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सी ह्योर, एंड इट इज नॉट कॉमन क्रेडिट, वो कॉमन क्रेडिट नहीं है, वो पूरा का पूरा जीता के लिए है, कॉमन क्रेडिट बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ पे हमने हमारा टोटल कॉमन क्रेडिट प्लस हमने लीगल सर्विसेज का जो आरसीएम है उसको अलग से ऐड कर दिया है उसका क्रेडिट में, तो क्रेडिट के कैलकुलेशन में उसको हम अलग से ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ये कॉमन क्रेडिट नहीं था, इसलिए ई बाई एफ में इसका अपोर्शनमेंट नहीं किया, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए है, तो यहाँ पे हम इसको अलग से ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। चलो तो ये जो जिज्ञासा वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जो ऐसा बोलता है कि भाई अगर मल्टीपल इनवॉइसेस बनाए हैं तो आपको मल्टीपल ईवे बिल्स जनरेट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर अल्टीमेटली सब कुछ एक कन्वेंस में जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए आप लास्ट में कंसोलिडेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो विविध प्राइवेट लिमिटेड एंगेज्ड है वेरियस सर्विसेज बैंगलोर में और रजिस्टर्ड है वो कर्नाटका में, रजिस्टर्ड है कर्नाटका में, इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून, इन्फॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना नेट जीएसटी हमको कैश से पे करना है, कितना नेट जीएसटी हमको कैश से पे करना है ये हमको पूछा है, और रेट जहां पे भी मेंशन नहीं है वो 18% हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फ्यूमिगेशन ऑफ वेयरहाउस, पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, इस बार का अमेंडमेंट है कि फ्यूमिगेशन ऑफ वेयरहाउस अब इट इज नो मोर एग्जेम्प्ट, मतलब ये 13 लाख हमारा टैक्सेबल हो जाएगा 18% पे, ये 13 लाख हमारा टैक्सेबल हो जाएगा 18% पे। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय मीटर्ड कैब्स प्रोवाइडेड थ्रू वेब कैसल एंड इलेक्ट्रॉनिक, भाई जब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, जब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मीटर्ड कैब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम रजिस्टर्ड हो या ना हो, हम रजिस्टर्ड हो या ना हो, हमेशा ही ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9(5) लायबल हो जाता है टू कलेक्ट एंड पे टैक्स, मतलब इस केस में जब हमने इको के थ्रू कैब का सर्विस प्रोवाइड किया है तब हम तो लायबल नहीं होंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम कब लायबल होंगे। देन नेक्स्ट फोर बसेस ईच हमने सप्लाई किया है विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 72 पैसेंजर्स, किसको दिया है हमने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया है, भाई जब भी हम मोर देन 12 पैसेंजर वाला बस हम जब भी एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को हायर पे देते हैं तो इट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, एग्जेम्पशन चैप्टर की एंट्री है, एग्जेम्पशन चैप्टर की एंट्री है कि भाई जब भी हम कोई बस जिसका सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को चलाने के लिए देते हैं ऑन हायर,
तो उस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, तो ये चारों की चारों बसेस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, ये जो हमने सर्विस प्रोवाइड किया है, ये जो हमने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को सर्विस प्रोवाइड किया है जो कि एग्जेम्प्ट है, उसके रिलेशन में हमने कोई सर्विस अवेल की है, उसके रिलेशन में हमने कोई सर्विस अवेल की है जहां पे रेट 12% है, हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर जीएसटी का रेट 12% है, मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया है। वैसे तो अब नया अमेंडमेंट आ चुका है जिसमें हमको वो सारी कंडीशंस देखनी पड़ती है कि जीटीए रजिस्टर्ड है, उसने इनवॉइस इशू किया है, एंड अल्टीमेटली उसके पास ऑप्शन भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे सेफली इसको अज्यूम कर सकते हैं कि भाई जो जीटीए है उसने 12% का रेट, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया है और इन लोगों ने आरटीपी में अजम्पशन भी लिया है कि 12% दिया है, मतलब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हमसे कलेक्ट करके पे कर देगा, तो हमारी लायबिलिटी नहीं है। और एनी वेज दूसरी चीज, आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी। क्यों अवेलेबल नहीं होगी इसकी आईटीसी? क्योंकि हमने ऐसी सप्लाई के रिलेशन में इनपुट लिया है जो खुद एग्जेम्प्ट है। अगर हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिलेशन में कोई इनपुट लेते हैं, तो उसका हमको आईटीसी नहीं मिलता है, तो नो आईटीसी विल बी अवेलेबल। क्यों? क्योंकि हमने इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य नर्सिंग होम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है जिसने फॉलोइंग सर्विसेज ऑफर की है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक एक में बताओ जीएसटी पेएबल होगा कि नहीं, एक एक केस में बताओ जीएसटी पेएबल होगा कि नहीं। तो देखो, हमने इन पेशेंट्स को रूम प्रोवाइड किया है, चार्जेस आर 6,500। अमेंडमेंट है, इस बार अमेंडमेंट था कि भाई आईसीयू आईसीसीयू एनआईसीसीयू को छोड़ दो, उसमें कितना भी कंसिडरेशन होगा चलेगा, लेकिन रूम का कंसिडरेशन हॉस्पिटल में अगर 5,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, 6,500, तो क्या सिर्फ 1,500 टैक्सेबल होगा या पूरा 6,500 टैक्सेबल होगा? द आंसर इज पूरा का पूरा 6,500 टैक्सेबल हो जाएगा अगर ये लिमिट ब्रीच हो जाती है 5,000 से। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो टैक्सेबल है। सेकेंड, प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। नाउ प्लास्टिक सर्जरी एग्जेम्प्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट दैट अगर कोई एक्सीडेंट है, कोई रिस्टोरेशन है, ऐसा कोई केस है तो उसको हम हेल्थ केयर मान के और एग्जेम्प्ट कर देंगे। सो प्लास्टिक सर्जरी कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, भाई न्यू बॉर्न बेबी के लिप में कुछ इश्यू है, उसको रिपेयर करने के लिए हमने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, तो हाँ ये तो एग्जेम्प्ट होता है। भाई कोई डिफॉर्मिटी, कोई एक्सीडेंट के चलते अगर हमको रिपेयर करवाना पड़ता है प्लास्टिक सर्जरी से, तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम डिस्टिंक्ट लोकेशंस, एम्बुलेंस सर्विस हमेशा एग्जेम्प्ट होती है। कहीं पे हमने देखा कि एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ रोड का ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एम्बुलेंस सर्विस इन जनरल ही एग्जेम्प्ट कर दी गई है। तो आप एयर से लेके जाओ, रोड से लेके जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, एम्बुलेंस सर्विस है ना तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने इन पेशेंट्स को फूड दिया है, भाई हमने देखा था अगर हम इन पेशेंट्स को फूड देते हैं अपने ही हॉस्पिटल से, अपने ही बेसमेंट में लोकेटेड है जहां पे अपने ही एम्प्लॉयज काम करके खाना बना रहे हैं, हम इन पेशेंट्स को फूड देते हैं, तो क्या पेशेंट्स खाना खाने आए हैं, क्या पेशेंट्स हॉस्पिटल में खाना खाने आए हैं? द आंसर इज नो। पेशेंट्स को क्या चाहिए, पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, खाना तो उसके साथ एक एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हेल्थ केयर, वो एग्जेम्प्ट है, तो जो फूड का एंसिलरी सर्विस है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑलरेडी जब एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ा है उसकी नोट्स में भी आप देखोगे तो मैंने स्पेसिफिकली लिख रखा है, इन पेशेंट्स को हम जो खाना देते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है, आउट पेशेंट विजिटर्स वगैरह को जो खाना देते हैं वो टैक्सेबल होता है। फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो एग्जेम्प्ट होता है। यू हंसा का लिस्ट पड़ा है, मेरे वाले स्टूडेंट्स यू हंसा का लिस्ट बोलेंगे कि भाई यू हंसा से हम जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, यू हंसा क्या था भाई, यूनानी होम्योपैथी एलोपैथी नेचुरोपैथी ये हमने पढ़ा था, तो यू हंसा से हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो सबके सब एग्जेम्प्ट होते हैं, तो होम्योपैथी यू हंसा में आ जाता है, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य नर्सिंग होम जो ऑपरेट करता है एक कॉर्ड ब्लड बैंक, स्वास्थ्य नर्सिंग होम जो कि एक कॉर्ड ब्लड बैंक को ऑपरेट करता है, तो कॉर्ड ब्लड बैंक पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार ही अमेंडमेंट है कि कॉर्ड ब्लड बैंक को अब टैक्सेबल कर दिया है। आईवीएफ सर्विसेज को तो एग्जेम्प्ट किया है, और जो कॉर्ड ब्लड बैंक वाला सर्विस है उसको क्या कर दिया है, उसको टैक्सेबल कर दिया गया है, इस ही बार का ये अमेंडमेंट है। फटाफट से करेंगे, वी आर टुवर्ड्स दी एंड, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ वो एक बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और एमसीक्यूज में थोड़ा देखना था, बाकी ये सारे क्वेश्चंस में एज सच कुछ भी नहीं है, 15-20 मिनट में अब तो हमारा खत्म भी हो जाएगा। तो आ जाओ,
अल्फा इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ मशीन इन इंडिया। अल्फा क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है और इंडिया में मशीन्स को सप्लाई करता है। गामा यूएसए हेल्प करता है अल्फा को इन मशीन्स को सेल करने में। गामा क्या करता है? हेल्प करता है इन मशीन्स को सेल करने में। बीटा हु वॉन्ट्स टू परचेज दिस मशीन। तो अल्फा ने मशीन सेल किया बीटा को, अल्फा ने मशीन सेल किया है बीटा को, किसके थ्रू? गामा के थ्रू। तो क्या मैं बोलू गामा यहाँ पे इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर है? गामा कौन है? इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर है। सर इंटरमीडियरी सर्विस आप किसी गुड्स के रिलेशन में दे सकते हो, किसी सर्विसेज के रिलेशन में भी दे सकते हो। गामा चार्जेस अल्फा फॉर हिज सर्विसेज ऑफ लोकेटिंग बीटा एंड हेल्प्स इन फाइनलाइजिंग द सेल ऑफ मशीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। गामा क्या करता है? अल्फा से कमीशन चार्ज करता है उसको उसका मशीन बिकवा के देने के लिए। फॉर विच गामा इनवॉइसेस अल्फा एंड इज पेड बाय अल्फा फॉर द सेम। इनवॉइस इशू करते हैं, अल्फा उसको पे भी कर देता है। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है। यहाँ पे यूएसए इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। लोकेशन, लोकेशन ऑफ सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक इंडिया में है और एक इंडिया के बाहर है। अल्फा यहाँ पे इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? गामा। गामा इंटरमीडिएट सर्विस का प्रोवाइडर है तो गामा तो सप्लायर है। सर्विस ले कौन रहा है? अल्फा। तो अल्फा कौन है? रेसिपिएंट है। भाई गामा ने इंटरमीडिएट की सर्विस प्रोवाइड की है तब जाके अल्फा ने उसको पैसे दिए हैं। तो सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में है। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है मतलब सेक्शन 13 लगेगा, ये तो सिंपल है। नाउ सेक्शन 13(8) में हमने तीन सर्विसेज पढ़ी थी, एक बैंकिंग की, एक इंटरमीडियरी की और एक वो यॉट वाला हायर का सर्विस पढ़ा था। इन तीन सर्विसेज के केस में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर। सेक्शन 13(8) प्लेस ऑफ सप्लाई याद करेंगे जिसमें हमने तीन पढ़ा था, एक बैंक वाला, एक इंटरमीडियरी वाला और एक यॉट वाला हायरिंग सर्विस था। तो उस केस में क्या होगा? हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है? गामा, जो इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अल्फा को। तो गामा क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो कि यूएसए में है। गामा कहाँ पे है? यूएसए में है। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूएसए हो जाएगा। कौन से सेक्शन से? तो सेक्शन 13(8) भी, जिसने तीन सर्विसेज बताई है जहां पे हमेशा हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाता है। उसके बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सेक्शन 44, सेक्शन 44 कौन सा है? हमारा एनुअल रिटर्न का सेक्शन है। सेक्शन 44 हमारा एनुअल रिटर्न का सेक्शन है। ये क्या पूछा है? किस किस को एनुअल रिटर्न फर्निश करना है और कौन सी डेट को करना है? वही एनुअल रिटर्न का क्वेश्चन, तो आप नींद में भी बता सकते हो। ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर ऑफ, 31 दिसंबर जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 31 दिसंबर आता है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा फॉर फर्निशिंग। अब किस किस को करना है? तो हर एक पर्सन को, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फर्निश करना है। एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी और सेक्शन 51 में टीडीएस और सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्टर। तो यहाँ पे किस किस को एनुअल रिटर्न फर्निश करना है? अगेन एकदम प्रोविजन वाला क्वेश्चन है, प्रोविजन आता है तो आंसर आपका आ जाएगा। भाई हर एक को एनुअल रिटर्न फर्निश करना है एक्सेप्ट कौन? सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी और टीडीएस, टीसीएस। ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है? भाई एनुअल रिटर्न नॉर्मल सारे के सारे लोग GSTR 9 में फर्निश करते हैं, कॉम्पोजिशन वाले GSTR 9A में फर्निश करते हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर 9B में करेंगे जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो फॉर्म तो क्या है? सिंपल है, GSTR 9 एनुअल रिटर्न के लिए है, कॉम्पो के लिए 9A हो जाता है। ड्यू डेट सबके लिए सेम है, ड्यू डेट सबके लिए सेम है, दैट इज 31 दिसंबर। नेक्स्ट पूछा है, एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसको देना है? पहले जीएसटी ऑडिट हुआ करता था, पहले जीएसटी ऑडिट हुआ करता था, हमको सीए का साइन लगता था, वो अब हट चुका है, वो अब हट चुका है। हम एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे सकते हैं GSTR 9C में। ये भी हमने रिटर्न के चैप्टर में पढ़ा है। तो GSTR 9C किसको फर्निश करना रहता है? हर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रहा है। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमको GSTR 9C, जो कि सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, वो हमको फर्निश करना पड़ेगा। तो भाई जो क्वेश्चन 15 है वो तो प्योर प्योर प्रोविजन वाला चैप्टर है, एनुअल रिटर्न के प्रोविजन आते हैं तो आप इजीली काम कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नित्या एसोसिएट्स एंगेज्ड है इन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज इन केरला। असिस्टेंट कमिश्नर ने एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया है अंडर सेक्शन 73 जो नित्या को मिला है 18 सितंबर को। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर हमको मिला है 18 अक्टूबर को। उसके बाद जीएसटी लायबिलिटी इसमें लिखी थी 6 लाख, सी प्लस एस मिला के, मतलब 3 लाख प्लस 3 लाख सी प्लस एस मिला के इसमें 6 लाख का मुझे डिमांड ऑर्डर आया था, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो 18% पे करना है और मुझे 60,000 का पेनल्टी पे करना है। सो टोटल ऑर्डर में क्या है? टोटल ऑर्डर में मुझे 6 लाख का टैक्स
प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा 18% के हिसाब से वो, और पेनल्टी 60,000 का पे करना आया है। ये क्या है, ये मेरा डिमांड ऑर्डर है। नित्या ने क्या किया, कंप्लीट डिसएग्रीमेंट में है, वो बोलता है 1 रुपया भी भरना नहीं आना चाहिए। तो नित्या पूरा का पूरा अमाउंट डिस्प्यूट कर रहा है और उसने जाके अपील फाइल कर दिया एपिलेट अथॉरिटी के पास 31 अक्टूबर को। उसने जाके क्या किया, अपील फाइल कर दिया एपिलेट अथॉरिटी को। भाई 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को ही किया है, मतलब विद इन टाइम किया है, 3 मंथ प्लस 1 मंथ का टाइम है, तो विद इन टाइम किया है, तो अपील तो ठीक है, और कंप्लीट डिसएग्रीमेंट में है वो। आगे पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। तो भाई जब हम अपील फाइल करते हैं तो प्री डिपॉजिट का अमाउंट क्या होता है, जितना हमने एडमिट किया है वो पूरा फुल, जितना हमने एडमिट किया है वो पूरा पूरा फुल, और जो हम एडमिट नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स इन डिस्प्यूट का, इंटरेस्ट और पेनल्टी को जाने दो, सिर्फ और सिर्फ जितना टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़ हम क्या करेंगे, प्री डिपॉजिट पे करेंगे। तो नित्या तो कंप्लीट डिसएग्रीमेंट में है, मतलब उसने 1 रुपया भी एडमिट नहीं किया है, तो 0.1 तो 0 आ जाएगा क्योंकि उसने कुछ भी एडमिट नहीं किया है। 0.2 क्या बोलता है, टैक्स इन डिस्प्यूट का 10%, तो यहाँ पे टैक्स इन डिस्प्यूट कितना है, 6 लाख। इंटरेस्ट को भूल जाओ, पेनल्टी को भूल जाओ, टैक्स इन डिस्प्यूट कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख का 10%, दैट इज 60,000 उसको क्या करना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, जिसमें 30,000 सी और 30,000 एस हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे कुछ पूछा है क्या, आगे बोला है क्या हमारा आंसर बदलेगा अगर नित्या ऐसा बोलता है अपील ओनली अगेंस्ट द पार्ट ऑफ डिमांड से 4 लाख एंड एडमिट कर लेता है 2 लाख। अगर नित्या ने एडमिट कर लिया है 2 लाख और उसका प्रपोर्शनेट पेनल्टी, नित्या ने एडमिट कर लिया है 2 लाख और उसका प्रपोर्शनेट पेनल्टी, और डिस्प्यूट कितना किया है, डिस्प्यूट किया है 4 लाख, तो उस केस में ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख है प्लस इसका 18% का इंटरेस्ट और प्लस इसकी प्रपोर्शनेट पेनल्टी, इतना तो पूरा पे करना ही पड़ेगा। जितना अमाउंट एडमिट कर लिया है वो तो पूरा पे करना ही पड़ेगा, और जो एडमिट नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ टैक्स इन डिस्प्यूट, तो टोटल लाइबिलिटी 6 लाख की थी, जिसमें से 2 लाख हम एडमिट कर चुके हैं, तो बाकी का टैक्स कितना बचा, इंटरेस्ट और पेनल्टी तो उतना ही पे करेंगे जितना एडमिट कर लिया है, बाकी को भूल जाओ, टैक्स कितना बचा है 4 लाख, तो 4 लाख का 10%, दैट इज 40,000। सो हमारा टोटल प्री डिपॉजिट क्या हो जाएगा, 2 लाख तो पूरा, प्लस उसका इंटरेस्ट, प्लस उसका प्रोपोर्शनल पेनल्टी, और प्लस जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स, जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका क्या करेंगे हम, 10% प्री डिपॉजिट में पे कर देंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रॉबर्ट एंड सन्स इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ कंसाइनमेंट ऑफ सेड गुड्स, हाउएवर सिंस इट इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू, उसने क्या किया, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई किया प्रोविजनल बेसिस पे। भाई या तो हमको वैल्यू में डेट हो या हमको वैल्यू या रेट, वैल्यू या रेट दोनों में से किसी एक में भी हमको डाउट हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकते हैं अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। 7 जनवरी को ऑर्डर आया कि ठीक है आप प्रोविजनल बेसिस पे पेमेंट कर सकते हो, और हमने क्या किया, हमने बॉन्ड सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ फर्निश कर दिया है, रॉबर्ट कंप्लाइज विद द सेम, और 29 जनवरी को हमने गुड्स का सप्लाई किया है। तो सप्लाई कब हुआ है, सप्लाई हुआ है 29 जनवरी को, मतलब 29 जनवरी का मेरा ड्यू डेट क्या आ जाएगा रिटर्न भरने का, 29 जनवरी का मेरा रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या आएगा, 20 फेब। 29 जनवरी का मेरा रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या आ जाएगा, तो 20 फेब आ जाएगा। तो 20 फेब वॉज माई ओरिजिनल ड्यू डेट। आगे क्या पूछा है, मैंने 19 फेब को ये प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करके और जाने दिया। उसके बाद फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया 18 मार्च को। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कब आया, 18 मार्च को, जिसमें 1,80,000 का शॉर्ट पेमेंट निकलता है, 1,80,000 ड्यू बन जाते हैं, और ये हम पे करते हैं 9 अप्रैल को। ये 1,80,000 जो ड्यू बनता है ये हम कब पे करते हैं, 9 अप्रैल को। हमको पूछा है क्या कोई इंटरेस्ट पे करना है, भाई 1,80,000 तो पे करना ही है जो शॉर्ट पेमेंट था, इसके साथ क्या हमको कोई इंटरेस्ट पे करना है, तो बिल्कुल पे करना है। क्या बोलता है प्रोविजन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% लगेगा, प्रोविजनल असेसमेंट के केस में इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% लगेगा ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक, ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक। ओरिजिनल ड्यू डेट क्या थी, 29 जनवरी को हमने सप्लाई किया, तो ओरिजिनल ड्यू डेट हो गई हमारी 20 फेब, और हमने एक्चुअल पेमेंट कब किया, 9 अप्रैल को। सो 20 फेब से 9 अप्रैल, यानी फेब के 8 दिन, 20 के बाद 8 बचते हैं, 21 से 8, 31 पूरे मार्च के, और 9 डेज अप्रैल के, 48 डेज का मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,80,000 इंटू 18% इंटू 48 अपॉन 365, इतना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, शॉर्ट पेमेंट कितना है,
शॉर्ट पेमेंट इज ऑफ 1,80,000। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे हम, 18% का रेट है। कितने दिन के लिए? ड्यू डेट से लेके। ओरिजिनली भले हमने 19 फेब को पे किया है, लेकिन हम कैलकुलेट कहाँ से करते हैं? ड्यू डेट से। प्रोविजन क्या बोलता है? ड्यू डेट से डेट ऑफ पेमेंट तक, जो कि हो जाते हैं 48 डेज। तो मल्टीप्लाई बाई 48/365, विच कम्स टू 4260.8 आता है। मैंने राउंड ऑफ करके 4261 यहाँ पे लिखा है। ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट पेएबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जंबो स्टील्स इंपोर्टेड हैवी मशीन फ्रॉम यूएसए, कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर था 10 लाख, $10,000। $10,000 क्या था? हमारे एक्सपोर्टर का कॉस्ट था। उसके बाद $500 लगे हैं उनको अपने फैक्ट्री से पोर्ट ऑफ शिपमेंट पे ले जाने के लिए। $500 लगे हैं फैक्ट्री से पोर्ट ऑफ शिपमेंट पे ले जाने के लिए। एट द लोड पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस लगे हैं $50 के। उसके बाद फ्रेट चार्ज एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंपोर्टिंग कंट्री में है $1,000, और बाइंग कमीशन पे किया है हमने $50 का। हमको आगे क्या बोला है? हमको असेसिबल वैल्यू ढूंढना है। रेट दिया है $1 = 70। असेसिबल वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहली बात, वैल्यूएशन में कभी भी हम बाइंग कमीशन को तो असेसिबल वैल्यू में इंक्लूड करते ही नहीं है। यानी ये जो 50 है, ये 50 तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेड फ्लैग हो जाएगा। 50 को तो हमको बिल्कुल कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो बाइंग कमीशन कभी भी वैल्यू में नहीं आएगा। तो इतना सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता है। ये शिप का केस है। जब एयर के केस में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, एयर के केस में जब हम इंपोर्ट करते हैं, तब हम कंपेयर करते हैं फ्रेट को, एक्चुअल फ्रेट, और 20% ऑफ FOB को। यहाँ तो शिप के केस में अगर एक्चुअल फ्रेट दिया है तो हम उसी को ले लेते हैं। हमको एक्चुअल फ्रेट दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, तो कुछ कंपेयर करने की ही जरूरत नहीं है। एक्सपोर्टर की फैक्ट्री कॉस्ट है 10,000, प्लस अप टू पोर्ट उसको लेके जाने के लिए लगे 500, हैंडलिंग चार्जेस 50। तो भाई ये आ जाएगी हमारी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू क्या होती है? एक्सपोर्टर की फैक्ट्री में जो कॉस्ट लगी, प्लस वहां से पोर्ट तक के ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स शिप पे आ जाए, उसको हम फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं। सो हैंडलिंग वगैरह फ्री ऑन बोर्ड पे FOB वैल्यू आ जाएगी। प्लस फ्रेट हमको 1,000 क्वेश्चन में दिया है, प्लस फ्रेट हमको 1,000 क्वेश्चन में दे ही रखा है कि भाई टोटल शिपमेंट कॉस्ट हमको कितनी लग गई है? $1,000 की लग चुकी है। उसके बाद इंश्योरेंस क्वेश्चन में जब भी नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं? 1.125% ऑफ FOB, 1.125% ऑफ FOB हमारा इंश्योरेंस हो जाता है। FOB कितना है? 10,550। FOB कितना है? 10,550। इसका क्या करना है? 1.125%, ये हमारा इंश्योरेंस आ जाएगा। टोटल आंसर आया, मल्टीप्लाई बाय 70 कर दो, क्योंकि ये डॉलर्स में है। $1 = 70 दिया है, तो हमारा असेसिबल वैल्यू रुपीज में आ जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल वैल्यूएशन का क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। जीरो एडजस्टमेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंश्योरेंस ऐड करना है, 1.125%, वो भी डीम्ड एडजस्टमेंट है, हम हमेशा करते ही है। उसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे कुछ भी आपको एक एडजस्टमेंट भी नहीं लगा है, सब कुछ डायरेक्टली ऐड किया और आपका आंसर आ चुका है। सो दिस इज बिल्कुल ही C+ कैटेगरी का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, बल्लू लिमिटेड है जिसने इम्पोर्ट किया है सुपर केरोसिन ऑयल, SKO मंगवाया है और उसको वेयरहाउस में स्टोर कर दिया है। एन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वॉज फाइल्ड एंड ड्यूटी वॉज पेड एज पर द प्रिवेलेंट डेट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ सच बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री के दिन ही हमने ड्यूटी पे कर दिया है, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन हमने ले लिया है, मतलब हमने वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग किया है। हमने क्या किया है? हमने वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग किया है। यहाँ पे हाईली कम्बस्टिबल नेचर था SKO का, इसलिए हमने सिर्फ एप्लीकेशन की है कि जब तक हम इनको क्लियर नहीं करते, हम ड्यूटी भर चुके हैं, जब तक हम इनको क्लियर नहीं करते, हम तब तक सिर्फ इनको वेयरहाउस में रखना चाहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग। कि या तो जब कोई डाउट होता है, या तो फिर जब हम गुड्स तुरंत से क्लियर नहीं कर पाते, हम थोड़े टाइम के लिए एप्लीकेशन करके उसको वेयरहाउस में रखते हैं, उन गुड्स पे वेयरहाउसिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, हम सिर्फ वेयरहाउसिंग करते हैं विदाउट वेयरहाउसिंग प्रोविजन बीइंग अप्लाइड ऑन इट। यहाँ पे जब गुड्स वेयरहाउस में पड़े थे तब रेट ऑफ ड्यूटी इंक्रीज हो गई, अब ऑफिसर क्या बोल रहा है? रिमूवल करते टाइम ऑफिसर बोल रहा है कि आप डिफरेंशियल ड्यूटी पे करो, आप डिपार्टमेंट बोल रहा है आप डिफरेंशियल ड्यूटी पे करो, तो क्या हमको पे करनी है? द आंसर इज नो। भाई हम जब वेयरहाउस में गुड्स रखते हैं तो हमको पता है कि एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम हम पेमेंट करते हैं वगैरह, यहाँ पे तो हमने वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग किया है, भाई हम ड्यूटी व्यूटी सब कुछ पे कर चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ ये हाईली कम्बस्टेबल नेचर का था तो हमने थोड़े टाइम के लिए इसको वेयरहाउस में रखा और उसके पीछे से रेट बढ़ गया, तो हम डिफरेंशियल ड्यूटी पे करने के लिए लायबल नहीं है। सो यहाँ पे वेयरहाउसिंग प्रोविजंस अप्लाई भी नहीं होंगे। तो नॉर्मली डेट ऑफ ड्यूटी कौन सा होता है? बिल ऑफ एंट्री वाला,
या फिर एंट्री इनवर्ड विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करके वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, ड्यूटी पे कर चुका है, मतलब बल्लू केस जीत जाएगा और डिपार्टमेंट केस हार जाएगी। बल्लू यहाँ पे केस जीत जाएगा, बल्लू ठीक बोल रहा है कि भाई उसने वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग किया है, मतलब क्या, उसने ऑलरेडी बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर दिया, सारे टैक्सेस पे कर दिए, क्लियरेंस होम कंजम्पशन का ऑर्डर भी पास हो चुका है, सिर्फ जब तक वो रिमूव ना करे तब तक उसने वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग किया है, मतलब इस पे एडिशनल ड्यूटी हमको नहीं पे करनी पड़ेगी। एंड अब आ गए हैं हम टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन, हम आ चुके हैं टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आरटीपी, जो क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड इंपोर्टेड एंड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम जर्मनी फॉर 5 करोड़ एंड द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वॉज क्लियर इन अप्रैल, अप्रैल में हमने ड्यूटी पे किया और हमने 5 करोड़ का एक मशीन इम्पोर्ट कर लिया है। उसके बाद मशीन में आई कुछ तकनीकी खराबी, सो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते मशीन स्टार्ट नहीं कर पाए हम और हमने उसको वापस भेज दिया मई में, हमने मई में मशीन को वापस भेज दिया है। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, इसको रिपेयर करके और हमको फिर से भेजा। मैन्युफैक्चरर ने भाई पहले, सबसे पहले हमने मशीन मंगवाया, यहाँ पे वो ठीक नहीं चल रहा था, हमने वापस भेजा, फिर उसने उसने रिपेयर करके हमको वापस भेजा, उसने रिपेयर करके हमको वापस भेजा, कब, सितंबर में ही भेज दिया। भाई क्या कुछ याद आ रहा है, क्या कुछ याद आ रहा है, यूं तो री इम्पोर्टेशन को हम हमेशा फ्रेश इम्पोर्ट गिनते हैं और पूरा ड्यूटी लगता है, लेकिन 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 अगर गुड्स भेजे गए हैं रिपेयर के लिए और हम री इम्पोर्ट करते हैं, अगर गुड्स भेजे गए हैं रिपेयर के लिए और हम उनको री इम्पोर्ट करते हैं विद इन 3+2 ईयर्स, यहाँ तो इसी साल आ गया, मई में गया सेप्टेम्बर में आ गया, मई में गुड्स भेजे हमने रिपेयर के लिए और सितंबर में वापस भी आ चुके हैं, तो 3+2 ईयर्स में वापस आ गए, ओनरशिप चेंज हुई क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिपेयर होने गए थे, जो सेम गुड्स गए थे वही सेम गुड्स वापस आए हैं। उस केस में क्या होता है, हम पूरी 5 करोड़ की वैल्यू पे, पूरी 5 करोड़ की वैल्यू पे टैक्स नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये तो जब मशीन इम्पोर्ट किया था तब हमने ड्यूटी पे कर दिया था, अब तो सिर्फ हमने रिपेयर्स के लिए भेजा था और री इम्पोर्ट किया है, तो हम क्या करते हैं, जो भी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपोर्ट होता है उसमें आने जाने का फ्रेट इंश्योरेंस ऐड कर लेते हैं, जो भी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर होता है उसमें आने जाने का फ्रेट इंश्योरेंस ऐड कर लेते हैं, और सिर्फ उतना ही जीएसटी में, उतना ही कस्टम्स में क्या होता है, असेस होता है एज वैल्यू। तो आगे पढ़ते हैं, मशीन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था इसलिए रिपेयर्स वगैरह करने का खर्चा हमारा कितना आया, तो इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ 70 लाख, टोटल 90 लाख का, टोटल 90 लाख का हमारा रिपेयर का खर्चा आया, जिसमें 70 लाख के तो मटेरियल्स थे, ठीक है, मटेरियल हो लेबर हो जो भी हो, हमको तो टोटल रिपेयर कॉस्ट चाहिए, तो टोटल रिपेयर कॉस्ट हमारा 90 लाख का था जिसमें 70 लाख के मटेरियल थे। एक्चुअल इंश्योरेंस और फ्रेट हमारा हुआ 7.5 लाख ईच साइड, मतलब जाते टाइम भी 7.5 लाख और आते टाइम भी 7.5 लाख, और हमको दोनों टू वे ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस लेना होता है। और यहाँ पे बोला है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, SWS 10% और IGST 18%, हमको टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल ढूंढना है, इससे सिंपल क्वेश्चन भी कोई नहीं हो सकता है। इस बार आरटीपी में कस्टम्स के सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सी कैटेगरी के हैं, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। भाई 90 जो हमारा फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर था उसमें हमने आने का और जाने का, मतलब 7.5 × 2 दोनों तरफ का फ्रेट इंश्योरेंस ले लिया, विच कम्स टू 1.5, तो ये मेरा असेसिबल वैल्यू आ गया। असेसिबल वैल्यू क्या है मेरा, 105। अब उसमें हमको पता है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% क्वेश्चन में दिया है, SWS जो 10% है वो BCD पे लगता है, तो BCD का 10% ये मेरा टोटल आ जाएगा, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, 18% पे IGST, इस पूरे पे 18% पे मैं IGST लगा दूंगी। अल्टीमेटली ये आंसर आया, This minus accessible value पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरा कस्टम्स ड्यूटी हो जाएगा, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। जब मैंने कोई गुड्स मंगवाए थे, गुड्स में कुछ तकनीकी खराबी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको भेजा रिपेयर करने के लिए, फिर मैंने जब री इम्पोर्ट किया, भाई यूं तो री इम्पोर्टेशन फ्रेश इम्पोर्टेशन होता है, लेकिन जब हम रिपेयर के लिए भेजते हैं और 3+2 ईयर्स में वापस ले आते हैं बिना चेंज इन ओनरशिप, और जो गुड्स गए थे वही सेम गुड्स वापस आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिपेयर का कॉस्ट प्लस टू वे, प्लस हमारा टू वे ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट, इतना ही असेस होता है कस्टम्स में। तो ये हमारी असेसिबल वैल्यू आ गई, इसमें 10% का बीसीडी, बीसीडी का 10% SWS, और इस पे पूरे पे क्या लग जाएगा, 18% से IGST लग जाएगा। तो भाई टोटल ड्यूटी क्या हो जाएगा हमारा, 10.5, 1.0050 और 20.979, ये हमारा टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल हो जाएगा। डन, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा आरटीपी मई 23 का सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अगर आपने सारे प्रोविजंस ढंग से पढ़े हैं तो आई एम श्योर कि आपको इसमें कुछ भी टफ नहीं लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चंस खुद से आ जाएंगे। ये जो एनोटेड पीडीएफ है जहां पे मैंने साइड में सारी चीजें ऑलरेडी शॉर्ट में लिख दी है, ये मैं अभी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रही हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है फास्ट IDT बाय रिद्धि बागमार,
अगर किसी को नहीं पता तो पब्लिक चैनल है फास्ट IDT बाय रिद्धि बागमान, आप टेलीग्राम पे इसको सर्च कर सकते हैं और वहां पे मैं इस सॉल्व्ड RTP का PDF शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरा बड़ा सा क्वेश्चन था हमारा GST कॉम्पिटिशन का, उसका सोल्यूशन भी मैं क्या कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, वहां पे आप इसको असेस कर सकते हैं PDF को। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। कीप स्टडिंग गाइस, अब एग्जाम एकदम पास में आ चुकी है, RTPs भी आ चुकी है, मॉक टेस्ट पेपर का भी हमारा शेड्यूल आ चुका है, तो अब बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है, एग्जाम एकदम पास में है, पूरी जी जान लगा देंगे और तैयारी करेंगे। सो गाइस, वेटिंग फॉर योर कॉल, रिजल्ट आए, मैम CA बन चुके हैं इस कॉल के इंतजार के साथ। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।